शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना जो यहाँ पर आए हैं, और जो जो भी नहीं आ पाए उनका भी शुक्राना, जिनको बुलाया वो भी उनका भी शुक्राना, जो नहीं आ पाए किसी वजह से उनका भी शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी। और गुरु जी ने यहाँ पे आने से पहले ही सत्संग आज बहुत सारे शेयर करा दिए, क्योंकि बड़े दिन से देख रहे थे कि हम जाम बड़ा मिलता था, तो पीरागढ़ी से एक 5 मिनट की दूरी में जाने में भी 2-2 घंटे लग रहे थे, तो आज हम बहुत जल्दी निकल आए और आज इतनी जल्दी आ गए, 3-2.5 घंटे पहले आ गए। गुरु जी आराम से सज संवर के बैठे, आराम आराम से तैयार हुए, मजे मजे से हुए, दरबार उधर लग रहा था, गुरु जी ने इधर लगवाया और अपना रूप खुद ले लेते हैं। गुरु जी अपना अपना सिंहासन, अपनी जगह, सब कुछ खुद चूज करते हैं, हम कोई नहीं होते। हम प्लानिंग करते रहते हैं 2 महीने से, यहाँ बिठाएंगे उनको, यहाँ बिठाएंगे, वहां बिठाएंगे, तो उनको यहाँ दरबार लगाना था कि इधर की संगत भी देख सके और इधर की भी देख सके, वरना इधर दरवाजे के पास छुप जाते तो ये ऐसे झांक झांक के देखते कन्हैया की तरह, कैसे कान्हा जी के ऊपर बार बार पर्दा आता है ना जैसे। थैंक यू सो मच गुरु जी। और बहुत ही बहुत 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 आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मैं आज गुरु जी को ऐसे बैठे बैठे पीछे यही बोल रही थी कि गुरु जी कभी कभी आप कैसी, आंटी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, लाइट, कैसी कैसी लीला रचते हो कि एक दिन तो ऐसी जगह ले जाते हो, कल परसों ऐसी जगह ले गए कि जहाँ इतनी नटखट संगत, इतनी नटखट संगत, ना चुप हो ना बैठे ना तंग करी जाए, और आज इतनी प्यारी, मतलब सब प्यारे होते हैं गुरु जी के, पर आज इतना डिसिप्लिन था कि मन ऐसे तृप्त हो गया, खुश हो गया। और जब आपको पता है, जब आप डिसिप्लिन में होते हो संगत जी, गुरु जी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको अपनी डिसिप्लिन वाली ही संगत बहुत प्रिय है। उनको वो संगत नहीं प्रिय है जो अपनी मनमानियां करती रहती है और जो इधर उधर भागते रहते हैं, फोन में लगे रहते हैं। आज मैं इतनी दिल से सच में दुआएं दे रही थी, गुरु जी तो जो दे ही रहे थे, पर कहते हैं किसी संगत के मुंह से भी ब्लेसिंग निकलती है, और सबके लिए निकल रही थी जो यहाँ बैठे थे। क्या ऑरा था, क्या डिसिप्लिन था, पिन ड्रॉप साइलेंट, और सबकी आंखें बह रही थी। वो होता है कनेक्शन, यही मैं बार बार अपने सत्संग में बोलती हूँ कि आज की डेट में कनेक्शन ही नहीं हो पाता। और हम सोचते हैं कि बड़ी उम्र में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, आज मुझे लगता है यंगस्टर ज्यादा यहाँ आए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में जाके आपका ध्यान लगेगा। उल्टा मैं कल ऐसे अपने अंकल से बात कर रही थी, मैंने कहा किसी किसी जगह मुझे 80+ वालों को इतना बोलना पड़ता है कि बह जाओ आंटी, वो घूमते ही रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमें समझाए, हम इनको क्या समझाएंगे। क्योंकि मेरे अंकल ने भी बोला कि बुढ़ापे में लोग बच्चे बन जाते हैं, तो आपको पता तो है ये बात, वो नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। पर फिर भी जब आप संगत बन जाते हो ना, तो बस इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जब हम गुरु के दरबार में आते हैं, और मुझे लगता है कि आंटी वगैरह यहाँ पे सब बहुत पहले से ये लोग हर महीने सत्संग करते हैं, इसलिए संगत जुड़ी भी हुई है। जो जुड़े होते हैं, इवन मैं तो ये कहती हूँ, जब आपको कोई ऐसी संगत दिखे जो डिसिप्लिन को मिसमैनेज कर रही है, आप उसे टोका करो, कभी ये मत सोचा करो कि बुरा लग जाएगा। बहुत सारी जगह मैं जाती हूँ, मेरे को फैमिली वाले यहाँ आके इशारा करते रहते हैं, आंटी मत बोलो, आंटी वो मेरी नंद है, आंटी वो मेरी दरानी है, वो मेरी सास है। अरे यहाँ पे कोई दरानी जिठानी सास नंद वंद भाभी कोई कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब गुरु की संगत होते हैं, क्योंकि गुरु ने सबको बराबर का प्यार देना है। ये तो है नहीं नंद को ज्यादा ब्लेसिंग दे देनी है तो जो मेड आई है उसको ब्लेसिंग नहीं देनी है, उसको तो ज्यादा देंगे जो पहले अपना काम धंधा सारा छोड़ के आई हुई है ना। तो इसलिए यहाँ पे सब बराबर होते हैं, कभी भी किसी को देखो गलत करते हो तो टोक दिया करो। सेवादारों की फिर जरूरत ही नहीं रहती है, सेवादार खड़े हो ना खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान खुद ही सेवादार बन जाता है। वो अपने साथ वाले बैठे हुए को बोले कि भाई तू चुप हो जा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये सबसे बड़ी आपकी सेवा होती है। सत्संग सुनने में आनंद आना चाहिए, और यही गुरु जी आज दिखा रहे थे कि मैं कह रही थी आपकी क्या लीला है कि मेरा एक दिन इतना जबरदस्त वाला टेस्ट ले लेते हो कि मतलब मैं उस टाइम ना टेंशन में रहती हूँ कि जब बिठा के लोगों को नहीं सुनते तो वो मुझे घूर घूर के ऐसे देख रहे होते हैं, जैसे पता नहीं मेरा इसमें कोई स्वार्थ छिपा हुआ है या मेरा इसमें कोई मुझे इधर से उधर से कुछ मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बोलती हूँ ना कि भाई बैठ जाओ अपना कनेक्शन बना लो, तो अंदर अंदर कुर्ते भी होंगे, कोई कुछ गलत गलत भी बोलता होगा, कोई बात नहीं, वो सब कर्म कटवाते हैं। पर मैं यही कह रही थी गुरु जी एक दिन इतना बड़ा टेस्ट ले लेते हो, अगले दिन इतना खुश कर देते हो, क्योंकि उसका टेस्ट जो लेते हैं उसका परीक्षा का फल आ जाता है नेक्स्ट डे,
फिर वो डिस्टिंक्शन आ जाती है। तो ये इनकी मर्जी है मालिक की कि कैसे कैसे। आज यही बता रहे थे कि मैं कहती हूँ गुरु जी कहाँ कहाँ भेज देते हो। अब सूरजमल विहार हमने कभी सुना भी नहीं था, नाम सुना होगा कभी ऐसे पढ़ा होगा पर मुझे नहीं पता। कहाँ भारतीय आंटी के यहाँ इनको बुलाया, फिर इन्होंने वहां सत्संग सुना, इन्होंने शायद उसके बाद डिसाइड किया होगा, 2 साल लग गए यहाँ तक आने में। लेकिन आज गुरुजी ने यही हमसे सत्संग शेयर कराया पहले बिठा के बड़ी देर तक कि हम सारे सोल्स हैं, पुरानी बिछड़ी आत्माएं हैं हम सारी, और हम सब कहाँ आके मिलेंगे हमने नहीं डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया है। ये सब सोल मेट्स, कोई सोल सिस्टर है, कोई सोल ब्रदर है, सब आत्माओं के मिलन है ये। और गुरुजी तो मुझे ये कहते हैं कि मैं तेरे को जरिया बनाया, जगह जगह भेजता हूँ। मैं कई बार कहती हूँ अभी कितनी जगह भेजोगे, मतलब आज यहाँ कल वहां और जगह, दिल्ली से बाहर इस महीने पूरा बुक है आउट ऑफ स्टेशन। तो वो कहते हैं कि वो मतलब तेरी भक्ति वहां वहां रह गई होगी प्रारब्ध के जन्मों में, जो तुझे वहां पे जाके बांटनी है। ये आज मेरे को उन्होंने मैसेज दिया कि तुम्हारी भक्ति अभी बहुत स्प्रेड करनी, तुमने जो मेरा नाम स्प्रेड करना है वो उन जगहों पे जाके, मैं तुम्हारे अन्नदाना भी हो गया, जल ग्रहण करना है वहां का, अन्न ग्रहण करना है और वहां की संगत को जोड़ना। तो वो हमारे कर्माज में लिखा हुआ है कि हमने वहां की संगत को जोड़ना है। तो फिर मैं कभी नहीं सोचती हूँ, आज ही एक बड़ी प्यारी हमारी आंटी है पुरानी, ग्रेटर नोएडा में रहती है, वो हमेशा बुलाती हैं सत्संग जब कराती हैं, तो इस महीने डेट नहीं मिल रही थी और उनकी भी बड़ी परीक्षा ली गुरु जी ने। फिर उन्होंने 28 डिसाइड कर ली, मैंने कहा गुरु जी अब मैं तो छत्तीसगढ़ जा रही हूँ, 19 की फ्लाइट है, 20 को वापस आऊंगी। तो मैं मना करते ना, मेरा बड़ा दिल दुखता है कि मैं इनको मना कैसे करूं, लेकिन हूं तो एक इंसान ही ना कि अगर आऊंगी तो कैसे पहुंच जाऊंगी। अब उन्होंने मैसेज भी बना दिया, देखिए उनका मैसेज गया ही नहीं अभी तक। फिर यहाँ पहुंची, सेवा में बैठी थी तो आंटी का फोन आया कि गुरु जी चाहते हैं कि आप ही आओ। मैंने कहा आंटी अब तो यही हो सकता है, आपके इतने फोन आ रहे हैं, एयरपोर्ट से सीधी ग्रेटर नोएडा पहुंचूंगी, वहां से कैब बुक करके और फिर इधर से सेवादारों को बुला लूंगी और नेक्स्ट डे फिर सत्संग है, फिर उसके नेक्स्ट डे हिमाचल जाना है। मतलब वो चलो घुमक्कड़ बहुत थी शुरू से मैं, और गुरु जी ने मेरे सारे घूमना शूमना बंद करा के, काम धंधे बंद करा के अपनी सेवा में घुमाना शुरू कर दिया। हर चीज उन्होंने वो ब्लेस की जो मुझे चाहिए थी। ये दर ऐसा है संगत जी, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। घूमना पसंद था, चल तेरे पैरों में चक्कर लगा दिया, अब तूने घर ही नहीं बैठना। पहले क्या करती थी, अपने स्टूडियो तक जाती थी, वही थोड़े से क्लाइंट आते थे उन्हीं को अटेंड करती थी, स्ट्रेस में रहती थी कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे खर्चा निकलना है। आज कोई चिंता नहीं है पैसे कमाने की। और ऐश जा रहे हैं, कोई कहता है चलो हम आपको कैब बुक कर देते हैं, नहीं तो हम खुद ही चल जाते हैं, कोई कहता है हम गाड़ी भेज देते हैं। मतलब वो गुरु जी का प्यार बरस रहा है इतना ज्यादा, हम कुछ लेते नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। पर इन्होंने इतना तृप्त कर दिया कि जो तेरे को चाहिए था, नाम करना था तो नाम भी कर दिया YouTube के जरिए, इतनी देश विदेश में नाम हो गया। कहाँ एक छोटे से एरिया में नाम के लिए ढूंढती थी कि यहाँ मेरा एज अ मेकअप आर्टिस्ट मेरा नाम हो जाए, कहते नहीं वो सब मैंने डिसाइड करना है, तुझे कहाँ कहाँ भेजना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो गुरु जी कहते हैं जिस जगह पे भी तुम जाते हो ना, तुम्हें पता ही नहीं होता उस एरिया, जिस घर में तुम जाते हो उसके आसपास, उसकी सड़कों पे, जैसे सामने आपके गार्डन है कोई भी है, हम लोग अभी समझ ही नहीं पाते। बहुत ज्यादा हमें मेडिटेशन में और बहुत ज्यादा गूढ़ में जाना पड़ता है, बहुत चीजें पढ़नी पड़ती हैं। शिव पुराण पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, खूब पढ़वाई गुरु जी ने, रामायण पढ़वाई, हर चीज पढ़वाई हुई है, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़वाए हैं। तो वो सोल्स होती हैं जो आपको नहीं पता होता, कई बार हमारा जैसे ही आपका सामने रैक पड़ा है ना, इसके पीछे ही कुछ सोल्स होती हैं जो मुक्त नहीं हो पा रही है। बहुत बार गुरु जी ने मुझे विजन में दिखाया, अमृत वेले के समय मेरे घर में ही जो दरबार लगा है, 2-3 साल पुरानी बात है, कि जब मैं आंखें बंद करके बैठी थी तो उस कॉर्नर में ऐसी जंजीरों से जकड़ी हुई थी एक आंटी, पता नहीं कौन थी, और तोड़ रही थी वो जंजीरें और वो नहीं टूट पा रही थी, और वो कहती थी मुझे छोड़ दो। तो गुरु जी कहते हैं जब भी कोई सत्संग कराता है, वो तुम नहीं कराते सत्संग, अगर तुम हर महीने कराते हो, हर हफ्ते कराते हो, रोज करते हो, साल में एक बार कराते हो, तुम्हारे जरिए मैं उन सोल्स को ब्लेस करता हूँ, पार्क में, पेड़ों पे, गाड़ियों में। कहीं आपने देखा होगा किसी, आपका घर तो चलो किसी किसी का घर तो बड़ा नीट एंड क्लीन होता है, किसी किसी के घर में आप देखते हो जाते बड़ी गंदगी होती है, बड़ी पुरानी पुरानी चीजें पड़ी होती है। मैं बहुत जगह जाती हूँ तो मैं उनको फिर बोल के आती हूँ लास्ट में कि ये हटाओ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे तुम्हारी
जैसे पुराने पुराने बूढ़े लोग होते हैं ना, हमारे भी ऐसे करते थे पहले, कागज रख दो, कतरने रख दो, लोहे की चीजें, ये सब में ना आत्माएं आ जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। वो नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटी हमें अपने घर से, जैसे कहते हैं जब गुरुजी आते हैं हम घर को अच्छे से क्लीन करते हैं, वॉशरूम धोते हैं, किचन साफ करते हैं, सिर्फ दिवाली है। तो अपने घर को रोज ही ऐसे साफ करो, क्योंकि रोज आपके यहाँ गुरुजी विराजमान है। घर को रोज सफाई करनी है, ये नहीं है कोई आ रहा है तब सफाई करनी है, गुरु आ रहा है तब करनी है, दरबार लग रहा है तब करनी है। डेली ऐसे रखो कि पुरानी पुरानी चीजों को, नेगेटिव चीजों को हटा दिया करो अपने घर से, वरना वो बहुत तंग करती है, हमें पता ही नहीं चलता वो हमें कब परेशान करती है। हमारे घर की जब नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो ऑब्जर्व किया करो, अपने मन में सोचा करो कि ऐसा मेरे घर में क्या है, चीजें हैं जिसको मैंने संभाल के रखा है। कई बार हमने बड़ी सारी किताबें ही संभाल के रखी होती है जो हमारे यूजलेस होती हैं, बच्चे पास हो गए फिर भी रखी हुई हैं। मेरे पास पहले बहुत बुक्स पढ़ती थी, तो उपन्यास भी पढ़ती थी और हर तरह के शायरी वायरी सब पढ़ती थी, मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी। मैंने धीरे धीरे सब बांट दी, क्योंकि वो जब पड़ी ही रहती थी वो बोरी में, उसका कोई यूज नहीं था, और उसमें भी आत्माएं आ जाती हैं। एल्बम्स होती हैं, कभी जिंदगी में हमने देखी नहीं है, और पुराने पुरानी फोटो, अधकचरी फटी हुई, ये सब चीजें गुरुजी ने सिखाई है कि जहां भी जाओ, ऐसी आपके घर की बात नहीं कर रही, हो सकता है किसी और को आंसर मिले, मिलता है, सबसे आंसर जरूर मिलता है। वो सोल्स को मुक्त करने में आपका हमारा संगत का बहुत बड़ा हाथ होता है। संगत जी, उनको आप मुक्त करने का जरिया बना करो। और जब भी किसी के घर देखो, जैसे अब कई बार हम वॉशरूम में जाते हैं, दरवाजों के पीछे गंदे कपड़े टंगे होते हैं, गुरुजी सबसे पहले आके वॉशरूम चेक करते हैं। आप देखोगे उनके वॉशरूम में बड़ी नेगेटिविटी से होगी, और किसी किसी का वॉशरूम ऐसा होता है कि आहा, कमरे से भी अच्छा सुगंधित खुशबू आ रही है, इधर गुलदान रखा हुआ है, गुलदस्ते रखे हुए हैं, ऐसे लगे कि गार्डन में आ गए हैं। तो हर चीज को संवारना है, इसीलिए गुरु जी कहते हैं जैसे खुद को संवारते हो, जैसे खुद का ध्यान रखते हो, ऐसे ही अपने घर के कोने कोने का ध्यान रखो, ऊपर ऊपर से मत संवारो। अब कई लोग होते हैं ऊपर ऊपर से पोछे पूछे मार लेते हैं, अंदर देखो तो नहाए नहीं होंगे कितने कितने दिन तक ठंड के मारे। ऐसे ही अपनी किचन ऊपर ऊपर साफ कर लेंगे, कोने कोने में लिफाफे घुसे होंगे, इधर उधर कतरने घुसी होंगी, वो चीजें इस तरीके से। इसका मेरा ये बताने का ये मतलब है कि ऊपरी आत्मा को साफ कर लो, और मन मैला तन धोते किछ ना होए, बड़ा प्यारा शब्द है सुनना कभी, मन मैले तन धोते किछ अच्छा ना होए। तन धो लिया, मन मैला, तो इस सोल को अंदर से साफ करना है। तो साफ कैसे होगी? सत्संग में आए, जैसे आप इतनी प्यारी संगत गुरबानी को सुना, उस रस को पिया, वो शब्द सुना था राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, वो राम रस क्या है? वो गुरबानी का रस है, वो अंदर जा रहे हैं। अब ये आत्मा क्लीन हो रही है, यहां से अंदर से क्लीन हो रही है, ऊपर से ऊपर ऊपर से हमने रोज कर लेनी है, पर अंदरूनी आत्मा को सत्संग में जाके ही आप क्लीन कर सकते हो, संगत में बैठ के। अब कई लोग कहते हैं मुझे हुक्म नहीं है सत्संग में जाने का, हर बात में गुरुजी का ही नाम लगा लेते हैं, मुझे हुक्म था देर से आने का। अरे इतनी संगत जो आई, मेरे को हुक्म नहीं हुआ, अब हम इतनी दूर पश्चिम बिहार से आ गए, 2.5 घंटे पहले पहुंच गए, इसका मतलब हमें हुक्म था जल्दी जाओ, हम भी तो लेट आ सकते हैं, अगर लेट आते हैं तो सेवा कैसे करते हैं हम, फिर दरबार नहीं लगता। कई जगह मैंने देखा जोत नहीं जग रही, देर से जग रही है, अरे दरबार नहीं लगा, झूठी झूठी, मैं तो बड़े आराम आराम से दरबार लगाती हूँ, बड़े आराम आराम से रंगोली बनाती हूँ, एक फूल इधर का इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज में हमें मार्क्स मिलते हैं। इसको ऐसे करो, टेस्ट पेपर हो रहा है मेरा, मेरा रोज पेपर है। दरबार लगाना भी एक कला है, दरबार लगाना भी एक एग्जाम है, रंगोली बनाना, चाय बनाना, जो भी आप काम करते हो वो सब एक टेस्ट होते हैं हमारे, और हमें उसमें जब नंबर 1 आना है तो उसको बड़े मन से करना चाहिए। ऐसे ही गुरु जी कहते हैं सत्संग को बड़े मन से सुना करो। अब कई लोग तो कहते हैं, बड़े मेरे को ना क्वेश्चन बहुत करते हैं लोग, वो मेरे टेस्ट होते हैं, आंटी हम तो सत्संग में पहले पहुंच जाते हैं, हम तो 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, पर ना फिर भी हमें गुरु जी नहीं ब्लेस करते हैं। तो एक दिन मैंने एक आंटी से पूछा कि आंटी आप सत्संग में जाके आपका ध्यान लगता है? नहीं, ध्यान तो मेरा घर में ही लगा रहता है, मेड क्या कर रही होगी, टीवी तो नहीं देख रही होगी, तो कैसे आपका ध्यान लगा? फिर तो आपका सत्संग में आना ही व्यर्थ है, घर ही बैठ जाओ ना। उसको ब्लेस करेंगे गुरुजी जो घर बैठ के गुरबानी सुन रहा है और अपनी उस मोह में फंसा हुआ है। वो मेड को छोड़ दो ना, वो भी बेचारी 2 घंटे खुश हो जाएगी, नहीं गई मेरी मालकिन जो मेरे सर पे खड़ी रहती है, चल सत्संग में गई ना, आज मैं भी टीवी देख लूं, वो भी ब्लेस हो जाएगी। तुम तो सत्संग में आके भी ब्लेसिंग नहीं ले रहे, और यहाँ कुड़कुड़ के उसको भी नेगेटिविटी भेज रहे हो। जो सोचते हो वही हो जाता है।
आप सोचते रहो वो टीवी देख रही होगी, 100% वो टीवी देख रही होगी। आप ये सोचो कि उसने आज मेरे पंखे साफ कर दिए होंगे, आप देखना जाके कमाल हो जाता है जब मैं ऐसा सोचती हूँ, सच कह रही हूँ। अभी मेरी मेड ने जाना था बाहर, उसकी बेटी की शादी है, तो उसने सारे रूम के पंखे साफ कर दिए थे, गुरुजी का और मेरा रूम रह गया था, वो छोटी सी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। तो मैंने उसको कहा तू जाने से पहले ना पंखा साफ कर दियो जब भी तू जाएगी, और मैंने उस बोलना बोल के मैं भूल गई, जिस दिन उसने जाना था मैं वापिस आई उसने मेरे पंखे साफ किए हुए थे। तो आप जैसा सोचोगे यहाँ पे वो वैसा हो जाएगा, यहाँ गलत सोचोगे वहां गलत हो रहा होगा, यहाँ सही सोचोगे। अब वही बात होती है, मेरे अंकल कई बार मेरा सत्संग सुनते हैं तो मेरे को कहते हैं तूने मेरा वहां डायलॉग मारा है, मैं कहती हूँ सुन के तो कहीं से भी मैं भी मार लेती हूँ डायलॉग, तो अच्छी बात है तो ग्रहण करती हूँ। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि किसी की वाइफ अगर काम पे गई है, बिजनेस कर रही है, नौकरी कर रही है, और आदमी डाउट कर रहा है उसके ऊपर कि वो पता नहीं कहाँ गई होगी, तो वो गलत ही कर रही होगी। और अगर वो सोचेगा वो तो बेचारी मेहनत करने गई है, सारा दिन मेहनत करके आएगी, तो वो मेहनत ही कर रही होगी। आप उसके बारे में गलत सोचोगे वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही पति जा रहा है विदेश जा रहा है, सोचो भाई मेरा पति तो पता नहीं कहाँ ऐसी जगह जा रहा है, पता नहीं अब महीने बाद क्या करेगा, मुझे तो नहीं भूल जाएगा, वो भूल ही जाएगा सच्ची में। पर अगर आप ये सोचोगे वो काम करने गया है मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों का पिता है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव वाइब्स भेजा करो एक दूसरे को। ऐसे ही संगत में भेजा करो, संगत में आपको कोई आपका दुश्मन नजर आ जाए, आप उधर बैठे हो, एक यहाँ बैठी है, ईर्ष्या चल रही है, मन में द्वेष चल रहा है, मैं इतनी भगत, मुझे आज गुरुजी ने पीछे बिठा दिया, जो गुरुजी को नहीं मानती उसको सबसे आगे बिठा दिया, ऐसा कैसे हो गया। ईर्ष्या पनप रही है, बढ़ रही है ईर्ष्या अंदर से, वो ईर्ष्या इतनी ज्यादा तेज हो जाती है हमारी कि ना तो हमारा ध्यान लगने देती है और ना उस बिचारी का जो पहले से ही गलत थी उसको और नेगेटिविटी भेजती, जो कोशिश कर तो रही थी कि मैं आगे बैठ जाऊं और मेरा ध्यान लग जाए, पर आपकी उस गंदी गलत वाइब्रेशन ने ना उसका ध्यान लगने दिया ना आपका ध्यान लगने दिया। तो इसलिए अच्छी अच्छी सोच रखा करो, सुंदर सोच, गुरुजी कहते हैं सोने सोने बन के रहो, चंगा खाओ चंगा पियो ऐश करो कल्याण कीता, यही कहते हैं। पर गुरुजी कहते हैं सोच भी चंगी रखा करो, सोच अपनी माड़ी ना रखो, सोच तो छोटी होती है और चाहिए ब्लेसिंग इतनी सारी, दे दो दे दो दे दो, पर सोच यहाँ इतनी सी है, सोच जितनी बड़ी करोगे इवन सबके लिए करो, ये नहीं कोई अमीर है उसके लिए अच्छी सोच कर लो, गरीबों के लिए ज्यादा करो, मेड्स के लिए, सर्वेंट्स के लिए, जो ड्राइवर होते हैं, जो गाड़ी साफ करते हैं, जो स्वीपर होते हैं, सबको बराबर का दर्जा दे दो। और फिर देखो ना गुरुजी आपको वारे न्यारे करें तो कहना, ब्लेसिंग तो तभी मिलेगी, लेकिन अगर हम पलड़े में तोलते रहेंगे एक दूसरे को तो कभी नहीं मिलेगी। धनी क्या क्या शेयर कराते रहते हैं, सत्संग तो बहुत है, बहुत सारे लोग ऐसे सत्संग शेयर करते हैं, उसको ठीक कर दिया, मुझे भी करा, किसी का कैंसर कर दिया, किसी की बीमारी कर दी, ये सब मैंने बहुत यूट्यूब पे डाले हुए हैं। पर आज गुरुजी ने कुछ दिनों से कुछ सालों से ट्रेंड मेरा चेंज करा दिया है कि जो कोई शेयर नहीं करता वो शेयर करवाते हैं और उसमें आंसर मिलते हैं लोगों को। मैं थैंक यू करती हूँ गुरुजी, जो पता नहीं कैसे कैसे आप थॉट्स डाल देते हो बैठे बैठे, और फिर से आप सारी प्यारी प्यारी संगत का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना। आप मैं देख रही थी आज बड़ी सारी संगत आके ना गुरुजी को ऐसे ऐसे कर रही थी, मुझे कहती अरे ये तो मेरे जैसे है, मैं सिर्फ ऐसे करती हूँ, मैंने कभी नहीं देखा किसी को। तो मैं कहती हूँ आज आप सबको ऐसे, सच में बहुत अच्छी संगत है। थैंक यू आंटी, आपने आप लोगों ने बुलाया और मुझे इतना प्यारा ऑरा दिया कि आज मेरा भी बहुत कनेक्शन हो रहा था, बहुत ज्यादा शुक्राना गुरु जय।